सुनिए, सब जानते हैं, जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई किया, 18वीं बार 17 बार भगवान ने उसे हराया, 17 के 17 बार हराया, और 18वीं बार ब्राह्मणों को बंदी बनाकर, कहा कि मेरी विजय के लिए यज्ञ करो, अगर मेरी विजय नहीं हुई तो तुमको मृत्यु दंड मिलेगा। मृत्यु के वजह से ब्राह्मणों ने यज्ञ करना प्रारंभ किया, यज्ञ प्रारंभ हुआ और उसी बीच में उसने आक्रमण किया। भगवान ने ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए अपना एक नाम, अपना काम, लीला किया, क्या रण छोड़ के भाग गए, इसलिए उनका नाम रण छोड़ भगवान भी पड़ा। गुजरात में एक जगह जाएंगे वहाँ रण छोड़ राय, उनका दर्शन आप करेंगे जाके। प्रश्न यह है, ब्राह्मणों की क्या जरूरत थी, उनको बचाने की जरूरत क्या है? ब्राह्मणों को बचाना कोई विशेष बात तो है नहीं, क्या करेंगे बचा के? फिर भगवान ने अपना नाम इतना कैसे कर लिया कि हम रण छोड़ राय बन गए, भगवान रण छोड़ के भाग गए, ऐसा क्यों? इसलिए ब्राह्मण सनातन की धुरी है, जिसके ऊपर ये सनातन पूरा टिका हुआ है, पूरा। देखो मैं न जाने किस किस योनि से निकल के आया हूं, मेरा क्या पता, आज ब्राह्मण हूं कल जन क्या बनूंगा और कल क्या था आई डोंट नो, मुझे पिछले जन्म का याद नहीं। तो ये कहना कि मैं ब्राह्मण हूं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, कदापि नहीं। आई प्रोमिस, गॉड प्रोमिस, बच्चे लोग समझ जाएंगे जल्दी, ये कसम बसम नहीं समझते, प्रोमिसेस बहुत जल्दी समझते हैं। तो आई प्रोमिस, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं ब्राह्मण हूं, और जितने भी सुनने वाले सुन रहे हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं ब्राह्मण हूं, पर मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिनको मैं भगवान कहता हूं वो भगवान भी ब्राह्मणों के प्रति इतने श्रद्धावान है। वो भगवान भी कितने श्रद्धावान है कि ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए अपना नाम भगवान कहते में रणछोड़ हो गया। हमारे यहां कुछ वध नहीं बताए गए, कभी गौ वध नहीं करना चाहिए, कभी स्त्री वध नहीं करना चाहिए, कभी ब्राह्मण वध नहीं करना चाहिए, और कभी बाल वध नहीं करना चाहिए, ये सबसे जघन्य अपराध है। कौन से? गौ वध, स्त्री वध, बाल वध। जैसे आजकल शिशु को नहीं मार, गर्भ में मार देते हैं, वो बाल वध भगवान की दृष्टि में सबसे वर्जित कार्य है। और ब्राह्मण वध चांस ही नहीं है, भगवान क्षमा नहीं करेगा अपराध करने वालों को, इसीलिए ना गऊ को हम लोग मां कहते हैं। शिशु जिसने जन्म ही नहीं लिया हम उसे मार दें। स्त्री जो हमारे वंश को चलाने वाली है हम उसे मार दें। द्वितीय ब्राह्मण जिसकी वजह से धर्म हमारे घरों में जिंदा है। अरे महाराज चाहे ब्राह्मण देवता की धोती फटी हो, लेकिन जब वो मंत्र बोलता है ना तो देवताओं का आशीर्वाद तुम्हें दिला देता है। इट डजंट मैटर उसने ड्रेसअप कैसा पहना हुआ है, सब मैं ब्राह्मण मेरी तरह नहीं है कि थोड़ा ये कलप कुलुप लगा के कपड़ा पहन के बैठे, हमको बैठना पड़ता है, थोड़ा कैमरा फेस करना पड़ता है ना, नहीं तो लोग समझेंगे ये गरीब ब्राह्मण था तो ये भी उन्हीं में से, इसलिए थोड़ा पहनना पड़ता है। लेकिन ब्राह्मणों का स्वस्ति वाचन, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोरि स्वस्ति न इंद्रो वृधस्वाहा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा स्वस्ति न स्तारक्षो वरिष्ठ नेमी स्वस्ति नो बृहस्पतिर् दधातु। जब ब्राह्मण मंत्र उच्चारण करते, देवी देवताओं का आह्वान करते, आप लोगों के लिए मंगल कामना करते, देवता मजबूर होके तुम्हें प्रसन्न करने के लिए तैयार होते हैं।
मजबूर होते तुम्हारी प्रसन्नता के लिए, हालांकि तुम्हारे कर्म में नहीं है ऐसा। तुम्हारे कर्म जैसे मेरे ही कर्म कोई खराब है, उन कर्मों का दंड मुझे भोगना है, तो कहा कि भाई शनि की 7:30 शुरू हो गई या ये ग्रह खराब है, तो ब्राह्मण देव तो उपाय बताते, तुम ये काम करना शुरू करो। अरे महाराज का मिट जाए, मिटेंगे नहीं, असर हल्का हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं, असर हल्का हो जाएगा। ये उपाय किसने बताया? फांसी पे नहीं चढ़ोगे, उसूली पे नहीं चढ़ोगे, कांटे लगने से काम हो जाएगा। ब्राह्मण सिर्फ इसलिए पूज्य है क्योंकि ब्राह्मण हम सब का कल्याण कर। अभी देखो यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, होना है मतलब, और चारों तरफ ब्राह्मण ब्राह्मण हल्ला मचा रहे हैं। हाँ या ना, काहे जरूरत है भाई, आवश्यकता ही नहीं। जातिगत कार्य मत कीजिए, एक ही कार्य कीजिए कि हमारा धर्म आगे बढ़े, हमारा सनातन आगे बढ़े। भगवान किस लिए मथुरा छोड़कर गए? गीता में भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य त्रदात्मानम् सृजामि। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में आता हूं, ये भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं। कब आते हैं भगवान, काय को आते हैं धर्म की? कौन कौन राम जी के चाहने वाले हैं? कौन कौन कृष्ण जी की चाहने वाले हैं? कृष्ण जी के चाहने वाले कौन कौन है, हाथ उठा के बताइए। सब हैं, नीचे करो हाथ। पिताजी देश शहर से बाहर गए हो, विदेश गए हो, पिताजी की दुकान कौन खोल के रखेगा? पिताजी घर से बाहर गए हों, पिताजी का काम कौन आगे बढ़ाएगा? पिताजी घर से बाहर गए हों, घर में अतिथि आ जाए तो अतिथियों की सेवा सत्कार कौन करेगा? भगवान अगर किसी कारण से अपनी लीलाओं के लिए हम सबको भेजकर देखना चाहते हैं कि मेरे बच्चे धर्म की सेवा कैसे करते, धर्म को आगे कैसे बढ़ाते, तो धर्म का प्रचार धर्म की रक्षा कौन करेगा? है जोर से बोलो, कर रहे हैं? कहाँ माथे पे तिलक, कहाँ सिखा, सिखा कहाँ है, सर पे सिखा है, है इतनी सी हमारी, देखो कितनी सी है। का हम मॉडर्न नहीं है? हम मॉडर्न नहीं, दिखने में अच्छे नहीं लग रहे हो, बताओ सही। मेरे बाल भी देख, मेरा ये हार भी देख, का हम मॉडर्न है कि नहीं, है कि नहीं? पर तुम्हारी तरह मेरे माथे से तो तिलक नहीं गया, तुम्हारी तरह मेरी शिखा तो नहीं कटी। अरे मुगल आए थे, शिखा काटते थे, हमने तो अपने आप काट ली, अपने आप। ऊपर से कहते हमसे बड़ा हिंदू कौन है? तेरी भला करे भगवान, हिंदू की औलाद। मैं इसलिए नहीं कहता, मैं तुम्हें जगाने के लिए कहता हूं मेरे प्यारे, आप जागो। भगवान आए थे हमें जगाने के लिए, राम जी आए थे हमें जगाने के लिए, रावण को मारने आए थे राम, कंस को मारने आए थे कृष्ण। ये भागवत आई है तुम्हारे मन में काम क्रोध ईर्ष्या लोभ मोह को मारने के लिए, तुम्हें सच्चा सनातनी बनाने के लिए भागवत आई है।
इसलिए जागो, समझो, पहचानो। भगवान ने तमाम राक्षसों का वध किया किसके लिए? धर्म की स्थापना के लिए। हम किसी का वध करने के लिए नहीं कह रहे, पर अपनी रक्षा तो करो, अपनी सुरक्षा तो करो। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा इसलिए छोड़ा क्योंकि ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा के लिए, इसलिए मथुरा छोड़कर चले गए और द्वारका में जाके बसे।